अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, अजमेर 92-6 गेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर 32 ईयर्स। और ये एक केस था अजमेर 92 का, जो एक बड़ा बहुत बड़ा सेक्सुअल स्कैंडल था, जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था। और आज मिलकर फिर उस पर केस पर जो नई अपडेट है मिलकर देखते हैं रिजवान साहब से, क्योंकि ये एक सोशल इशू है और इस पर बात करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लामिक चीज़ों के साथ, इस्लामिक माइंड सेट के साथ जुड़ा हुआ है। मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे व्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। और वहां से फिर सिलसिला शुरू होता है जो बाद में जाके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अंडररेटेड अपराध और सेक्स स्कैंडल बनकर उभरा, क्योंकि शोषण करने वाले ज्यादातर एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के थे। जिनका लड़कियों का शोषण हो रहा था वो ज्यादातर एक समुदाय हिंदू समुदाय की थी। जलील कमीन हराम के आ जाएंगे कहने के लिए कि सिर्फ दो, जैसे केरला स्टोरी के टाइम पर बोल रहे थे, सिर्फ तीन औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, तो वो बैठ के पहचानने लगे लौंडे की हाँ यही है, यही है। चलो भैया एक्सक्यूज मी, ये फोटो देखी है आपने अपनी, आइए। तो साथियों, कोलकाता के घिनौने वारदात की बहस और चर्चा और बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सियो मोटो कॉग्निस लिया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पर मैं उसमें अज्ञात कारणों से इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा एक दूसरी घिनौनी वारदात की, जिसने अंजाम लिया था आज से 32 साल पहले, और एक तरीके से मैं इस घिनौनी वारदात का चश्मदीद था, क्योंकि आज से 32 साल पहले मैं उसी शहर में पोस्टेड था जब ये घिनौनी वारदात अनफोल्ड हो रही थी, यानी धरातल पर इसके चर्चे शुरू हो गए थे। शहर के लोकल डेलीज इसको, इवनिंग डेलीज एंड मॉर्निंग डेलीज इसको कवर करना शुरू कर दिए थे। नुक्कड़ पे, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, बार्बर शॉप पर, हर जगह बस यही बात हो रही थी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं 1992 अजमेर की सोफिया कॉलेज सेक्स स्कैंडल की। आज से कुछ दिन पहले उसमें 6 बंदे जो इन्वॉल्व थे उनको उम्र कैद की सजा हुई है। क्योंकि मैं इस किस्से से 32 साल से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि तब मैं वहां पर था और सारी घटना मैंने लोगों के, वहां के लोकल लोगों से, अपने कानों से सुनी है, क्योंकि उस जमाने में मीडिया और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, वो सारी घटना आज भी बिल्कुल मेरे दिमाग में साफ है। और आप लोगों को बताऊंगा कि वो वारदात थी क्या और क्यों ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टेड अपराध या अंडर रिपोर्टेड सेक्स स्कैंडल बना। पूरा वीडियो देखिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साथियों, आज बात करेंगे अजमेर 1992 की। 4-5 दिन पहले 6 गुनहगारों को नफीस चिश्ती, नसीम, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल और सैयद समीर को इसमें उम्र कैद पॉक्सो कोर्ट ने दी है। कुछ अपराधियों को सजा पहले मिल चुकी थी, 6 को अब मिली है। सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि ये किस्सा था क्या। तो साथियों, ये किस्सा इस तरीके का है कि अजमेर में 2 कॉलेज थे जो बड़े स्कूल, जो बड़े प्रसिद्ध थे, लड़कियों का सोफिया जिसको सफाया भी बोला जाता था और लड़कों का म्यों। यहाँ पर हाई फाई फैमिलीज के लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, और अधिकतर बच्चे यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में रहते थे। तो ये किस्से, इस किस्से के तार जुड़ते हैं जाके सोफिया या सफाया गर्ल्स स्कूल से, अजमेर से। तो साथियों, अजमेर फेमस था अपने इन दोनों स्कूल्स के लिए, गर्ल्स का सोफिया सफाया और बॉयज का मे, और इससे ज्यादा फेमस था पूरे भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की वहां मजार और दरगाह को लेकर, और पूरा अजमेर ही नहीं, पूरा राजस्थान इसके, इसको लेकर बड़ा रिवियर करता था, पूजनीय मानता था, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू इसको पूजनीय मानते थे, और बड़ी शान समझी जाती थी कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने हिंदुस्तान के इस हिस्से को चुना था अपना पैगाम देने के लिए।
और उनकी फैमिली जो चिश्ती फैमिली वहां पर खादिम थे और इसके एक तरह से मुतवल्ली थे, उनका जो रसूख था और जलवा था वहां देखने वाला था। उस जमाने में ओपन जीप में वो खुली बंदूकें लेकर शिकार खेलने जाते थे। उस जमाने में उनके एक फोन पर एसएसपी और डीएम और एसएसपी एसपी भाग के आता था। सरकार भले किसी की हो, अजमेर में सरकार और वो लोग मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मज़ार को बोलते भी सरकार थे, तो वहाँ पर हम लोगों से सुनते थे कि सरकार किसी की हो लेकिन अजमेर में सरकार सरकार की ही होगी। तो एक लड़की थी जो हॉस्टल में पढ़ती थी मियो स्कूल में, आई थिंक शी वॉज इन क्लास 10th, वो टच में आती है चिश्ती फैमिली के एक बंदे की जिसका नाम था फारूक चिश्ती। गर्ल वॉज सपोज 16-17 ईयर्स ऑफ एज और जो फारूक चिश्ती था उसकी उम्र 22-23 साल थी। अब टच में कैसे आती है, वहां पर जब ये किस्सा अनफोल्ड हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया हम बस में ट्रेवल करते थे, राजस्थान में अभी भी ज्यादातर बस से ट्रेवल करने का रिवाज है, ढाबे पे खा रहे हैं, किसी छोटे होटल की लॉबी में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, नाई की दुकान में हैं, किसी से भी बात होती थी तो बस वहाँ पर यही बात होती थी। बहुत बड़ा ये एक किस्सा था जिसने पूरे भारत के कॉन्शियस को उस ज़माने में हिला के रख दिया था जब मीडिया नहीं था। अब ये कैसे आती है, इसके दो तीन फैक्टर्स हैं। एक इस तरीके से आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, उसके लिए ये आई थी कि मेरी हेल्प करवा दीजिए, किसी लोकल लड़के या लड़की के थ्रू आई थी। कोई कुछ और स्टोरी बताते हैं, कोई वहां पर बताते थे एक जनरल किसी पार्टी वार्टी में मिली थी, कोई बताता है कि एक लड़का था उसको चिश्ती फैमिली के किसी बंदे ने सोडोमाइज किया था, अननेचुरल सेक्स किया था उसके साथ लड़के को पकड़कर, और उसकी इन्होंने फोटोग्राफ्स ले ली थी। नाउ दिस गर्ल वॉज गर्लफ्रेंड ऑफ दैट बॉय, तो उस बॉय के जरिए यह कहा गया, उस लड़के ने लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो वोटो दिखाई थी, क्योंकि कैमरे स्टिल कैमरे तो रील वाले तब आ ही गए थे, तो इसने लोगों ने उनसे कहा कि ब्लैकमेल के तौर पर कि अगर तुम उसको मैनेज नहीं करोगे पार्टी में और उसे इनकरेज नहीं करोगे हमारे करीब आने के, तो हम तुमको एक्सपोज कर देंगे। तो एक ये भी थ्योरी है। अब इतना मैं 32 साल बाद एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मामला क्या था, पर हाँ इतना था कि ये लड़की फारूक चिश्ती के कांटेक्ट में आती है, उसके बाद इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है, उसके बाद उस लड़के के थ्रू या डायरेक्टली फारूक चिश्ती अपनी फेट कार भेजकर इसको अपने फार्म हाउस, जो एक तरह से पोल्ट्री फार्म भी था, वहां पर इनवाइट करता है। वहां पे इस बच्ची के साथ, इस लड़की के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के पश्चात इसकी भी फोटो ले ली जाती है, या ये समझे कि एज ए कपिल वहां पर इनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप होता है जिसकी फोटोग्राफ्स ले ली जाती हैं, और वहां से फिर सिलसिला शुरू होता है जो बाद में जाके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अंडररेटेड अपराध और सेक्स स्कैंडल बनकर उभरा, जो अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना गया। किस वजह से वो फारूक की टच में आई, मैंने आपको तीन चार चीजें बता दी उस जमाने में जो चर्चा में थी। हाँ एक चीज और थी कि कोई उसको परेशान कर रहा था, उसलिए इनके टच में आई थी। रसूख भी था, जलवा भी था, मैन पावर भी था, अपीजमेंट भी चरम सीमा पर था, तो ये अजमेर में इनकी तूती बोला करती थी। दो तीन दिन में फोटोग्राफ्स डेवलप होती हैं उस जमाने में जो रील से डेवलप होती थी, और फिर जब ये अपने फार्म हाउस कौन फारूक इस लड़की को बुलाता है तो इसको वो ये फोटोग्राफ्स दिखाता है। इस लड़की का ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होता है। इसको बताया जाता है अजमेर में पोस्टर लग जाएंगे, राजस्थान में पोस्टर लग जाएंगे, अडल्ट मैगजीन्स में तुम्हारी फोटोग्राफ भेज दी जाएगी, और उसके चलते उसी मौके पर इसका एक कजिन था जिसको अब सजा हुई है, नफीस चिश्ती और सैयद अनवर, वो भी इस लड़की के साथ फिजिकल फोर्सफुल अंडर ड्यूरेस फिजिकल रिलेशन करते हैं, और फिर इन लोगों की उस टाइम भी इन लोगों की फोटोग्राफ क्लिक होती हैं। अब ये सिलसिला वहां से बढ़ना शुरू होता है। एक बात इसमें शायद मैंने आपको पहले बताई, नहीं बताई तो रिपीट कर दूं या एक बार बता दूं बड़े एम्फसाइज कर कि उस जमाने में कम्युनिकेशन की बड़ी कमी थी,
और ये जो सोफिया सफाया स्कूल था, जैसे देहरादून का वेलम्स है, ये बेसिकली यहाँ पे डे स्कॉलर्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतने हाई फाई स्कूल हुआ करते थे कि ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली के, मुंबई के और राजस्थान के टॉप नॉच लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। लेकिन उनके पास अपने आज की तरह माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था कि एक बच्चा चला गया समर वेकेशन के बाद, तो उसके बाद वो विंटर वेकेशन में ही 6 महीने बाद 5 महीने बाद उसकी शक्ल देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि बीच में पेरेंट्स कभी मिलने के लिए आ जाएं। तो एक तरह से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे वो थे तो बहुत तगड़े खानदान के, रसूखदार, पैसे वाले, लेकिन वो आइसोलेटेड भी थे कि अपनी वो फैमिली से कट के रहते थे। आज का ये दौर होता तो शायद बहुत पहले ये राज खुल गया होता। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसको नाम दिया गया गेट टुगेदर्स का। अब गेट टुगेदर होने लगे और इन लड़कियों को यह बताया गया कि भैया हमारे यहाँ गेट टुगेदर है, शायद थर्सडे या सैटरडे वहां पे आउटिंग हुआ करती थी, तो साहब सैटरडे को पार्टी है और उसमें लड़कियों को लेके आना है। अब लड़कियां वहां गेट टुगेदर में अपनी मर्जी से आईं या ये अपनी फ्रेंड्स को, अरे चलो मजा आएगा, ये करेंगे, बड़ी अच्छी लोकेशन है, फलाना है, ढमाका है, जो भी। अब इतनी अंदर की बातों को आप कोई इस 32 साल बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। खैर इनकी गेट टुगेदर्स में इनके रसूख, इनका जलवा देखते हुए, हर चीज़ देखते हुए और लड़कियों की मजबूरी देखते हुए दोस्तों ने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ने जब दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया और इनका भी पूरा खानदान वहां पर इन्वॉल्व हो गया, खानदान इन्वॉल्व हो गया तो खानदान के दोस्त भी इन्वॉल्व हो गए, तो वहां पर एक शुरू हुआ एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल। और उसके चलते कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से इनके एसोसिएशन में आ गईं, बेवकूफ बन गईं। जैसे आपका इंग्लैंड का किस्सा है, वो जो था ग्रूमिंग गैंग्स वाला, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, यंग गर्ल्स थी, गिफ्ट दिए, रौला दिखाया, गाड़ियां दिखाई, कुछ ब्लैकमेल होके इनके आगे सबमिट करा, किसी ने किसी को, लड़की ने इनकरेज किया कि नहीं फलाना, उससे तुम फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, जो भी हुआ। खैर ये जो स्कैंडल था ये बढ़ता गया और बढ़ता गया। इसका फिगर किसी के पास नहीं है और क्यों नहीं है और ये इतना अंडर रिपोर्टेड क्यों है, ये आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो और सुनिए और उसके बाद ख़त्म करता हूँ। फिगर किसी के पास नहीं है, एक फिगर इसका 800 गर्ल्स का भी है, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं वहाँ पर 1.5 महीने के लिए था, जब अजमेर बंद हुआ था तब मैं वहाँ पर था। 800 का फिगर गलत था, वहाँ पर जो फिगर चल रहा था वो चल रहा था 100 से लेके 300 गर्ल्स के बीच में, जिनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर वहाँ पर ये घिनौनी हरकतें हुई। कुल मिला के साथियों ये सिलसिला बढ़ता गया एक सिंडिकेट की तरह और इसने फ्लैश ट्रेड का रूप ले लिया। अब जिस लड़की की फोटो क्लिक हो गई एक बार, उससे कहा गया अब तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, उसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसने फिर अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए उस लड़की की फोटो क्लिक कर ली, उसने फिर उसको कहा कि तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। कुल मिला के इसको कोई भी क्वांटिफाई नहीं कर सकता इस किस्से को। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वहाँ की बिल्कुल लोकल बता रहा हूँ, जो 32 साल पहले मैंने वहाँ पे अपनी कानों से सुना है। और ये जो अभी एक पेपर का नाम है नवज्योति, एक पेपर था वहाँ का जिसने ये पूरा खुलासा किया था, ये भी मैं खोल खोल के, ये पेपर उस जमाने में बहुत बिक रहा था, शायद 1998 का आता था, हम लोग इसे बहुत पढ़ते थे। तो कुल मिला के इसकी कोई गिनती नहीं है। और अभी बहुत से जलीलों और कमीनों को बताऊंगा जो केरला स्टोरी के टाइम पर बोलते थे, सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है। हाँ, तो ऐसे हरामजादों को बताऊंगा कि इस किस्से में भी एंड में सिर्फ 2 लड़कियां कैसे इन्वॉल्व हुई थी। अब जो ये फोटोग्राफ खींचती थी साथियों, आज की तरह तो नहीं था जो फोटोग्राफ क्लिक होती थी, ये जाती थी एक फिल्म फोटो एक स्टूडियो में डेवलप होने के लिए। महेश लोडानी नाम का कोई वहां पर बंदा था, वो अजमेर के जो ये रसूखदार फैमिली थी, चिश्ती फैमिली, इसके लिए फिल्म डेवलप करता था और कुछ इनसे पैसे लेता था। कुछ फिल्म के नेगेटिव उसने अपने पास रख लिए, उसने जब अपने पास रख लिए तो जब ये लोग सैटरडे को या थर्सडे को, स्टिल आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, जब ये बाहर निकलती थी तो वो बैठ के पहचानने लगे लौंडे की हाँ यही है, यही है,
चलो भैया एक्सक्यूज मी, ये फोटो देखी है आपने अपनी, आइए। तो यहां से एक नया चैनल शुरू हो गया। कौन सा चैनल शुरू हो गया? साहब इनको बुलाने का और इन लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का। सुनने में तो उस टाइम पर आता है नेताओं के बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, नेता भी इन्वॉल्व हो गए, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए। अब इसकी डिटेल में क्या जाना। तो कुल मिला के साथियों पूरा रायता बिखर जाता है। और फिर से मैं बता दूं इसमें कितने मेन इन्वॉल्व थे और कितनी गर्ल्स इन्वॉल्व थी, इसकी कोई गिनती नहीं बता सकता। अपने अपने तरीके से जिसको जो यकीन करना है वो कर ले। तो ये जो नवज्योति पेपर था, इसका एडिटर वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इसके बारे में 1992 के मई में अपने टैबलॉइड इवनिंग पेपर में, नवज्योति के नाम से पेपर आता था, उसमें ये लिखता है। लेकिन इसकी न्यूज़ को ऐसी बेकार मानकर खारिज कर दिया जाता है। जून में फिर ये फोटोग्राफ्स डालता है ब्लर कर कर कि अजमेर में ये हो रहा है। और एक और टैबलॉइड निकलता था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके मालिक का नाम था, एडिटर का नाम था मदन, वो भी अपनी मैगजीन में, उसकी लोकल मैगजीन आती थी, उसमें इस किस्से को लिखना शुरू करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और एक चीज़ आप लोगों को मिस कर गया, देखिए बताना, जितनी भी ये चिश्ती फैमिली थी सारी कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड थी। ये जो फारूक चिश्ती था शायद यही अजमेर विंग का या अजमेर मंडल का यूथ कांग्रेस का हेड हुआ करता था, उस जमाने में कांग्रेस की तूती बोली करती थी। तो जो मदन को गोली मारी थी वो मारी थी जयपाल ने और सवाई सिंह ने, सवाई सिंह एक क्रिमिनल हुआ करता था, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे मदन को मारने के लिए। उसके बाद जब ये इसकी फोटोग्राफ्स नवज्योति पेपर में आती हैं, और एक और स्कूल था उसकी भी लड़कियां, सावित्री करके या कुछ करके, मैत्री करके कुछ स्कूल था, उसकी भी लड़कियां इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन इन लोगों की एक मॉडस अपरेंडाई था, वो ये था कि ये लोकल लड़कियों को टच नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को टच कर रहे थे, क्योंकि उनको टच करने में इनको एक सेफ्टी महसूस होती थी कि ये बाहर के लड़कियां हैं, ये हमारा कुछ अजमेर में बिगाड़ नहीं पाएंगी, जहां हमारी एक आवाज़ पर 2 लाख आदमी खड़े हो सकते हैं। फिर दो लड़कियों ने सुसाइड करी आज जाकर। जब सुसाइड करी फिर वहाँ से ये हल्ला मचना शुरू हुआ और पकड़ धकड़ शुरू हुई। अब गेम क्या हुआ, ये जो किस्सा है ये 1992 का है, जैसा मैंने बताया मई में पहली बार लिखा गया, जून में फोटोग्राफ्स के साथ लिखा गया जो ब्लर करके डाली गई थी। 1992 में अयोध्या 6 दिसंबर याद करिए, वो भी 1992 में हुआ था। इस समय राजस्थान में जो सरकार थी वो बैरो सिंह शेखावत जी की सरकार थी, बड़े भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन इतने कद्दावर नहीं थे कि जो अजमेर की चिश्ती परिवार पर हाथ डाल दें। क्योंकि मानिए या ना मानिए, मुसलमान के आगे और रसूखदार मुसलमान के आगे चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का डर और सेक्युलरिज्म खतरे में ना पड़ जाए इसका डर बना रहता है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है कि साहब कांग्रेस के दिल में डर है 99%, तो भाजपा के दिल में डर है 49%, तो योगी जी के दिल में डर है 19%। लेकिन भाई बुरा ना मानना, डर जरूर होता है इस कम्युनिटी का, अपीजमेंट का, सेक्युलरिज्म का, ह्यूमन राइट का, फलाने ढमाके का, उनका विक्टिम कार्ड प्ले करने का। 6 दिसंबर को अयोध्या की घटना होती है। जब ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में आता है और पकड़ धकड़ शुरू होती है और बयान शुरू लेने शुरू होते हैं, तो सब मिलाकर 30 लड़कियां सामने आती हैं हिम्मत करके। बहुत सी लड़कियों के पेरेंट्स तो उनको टीसी दिलवाकर अजमेर से ले जाते हैं क्योंकि वो हॉस्टल में थी। 30 लड़कियां सामने आती हैं। 30 लड़कियां सामने आने के बाद कुल मिलाकर इसमें 12 FIR होती हैं, और 12 FIR होने के बाद फाइनली 10 लड़कियां पीछे हट जाती हैं, और फाइनली ये मुकदमा जितनी भी पकड़ धकड़ चली उसके बाद ये मात्र 2 लड़कियों के बयान पर, उनकी दर्ज कराई FIR पर होता है। 2। तो जैसा मैंने आपको बताया, कुछ जलील कमीन हराम के आ जाएंगे कहने के लिए कि सिर्फ 2, जैसे केरला स्टोरी के टाइम पर बोल रहे थे, सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है। हाँ, तो ये था ये मामला। उसके बाद फाइनली जब 6 दिसंबर की घटना के बाद
13 दिसंबर को चार भाजपा की सरकारें गिरा दी जाती हैं। जब चार सरकारें गिरा दी जाती हैं तो इन चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव जी की, और ये अजमेर की बहुत रसूखदार एक फैमिली थी, एक परिवार था और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। अब ये मैटर इतना अंडर रिपोर्टेड क्यों हुआ, अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक तो ये मैटर अंडर रिपोर्टेड रहा तुष्टिकरण के चलते, उस टाइम तक भी जब तक भैरव सिंह शेखावत जी वहां कर के मुख्यमंत्री थे, यानी 13 या 14 दिसंबर 1992 तक, वहां तक। उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन लग गया फिर तो सोने पर सुहागा हो गया, जिसका नाम बहुत ज्यादा फंसा था, जिसकी फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी, वो ही फंसा। 18 फंसे इन्वॉल्व, तो शायद इसमें 118 या 180 थे। और फिर दूसरा रीजन ये था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पेरेंट्स ने भी आकर ये हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन अगर वो तुमसे मिला, फिर उसने तुमसे मिलवाया, फिर तुमसे मिलवाया, तो हमारे बाद इसको लेके ना जाइए, हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी बच्ची को बाहर निकालना है, अब हमारी बच्ची आराम से कहीं पढ़ रही है, फलाना कुछ हो रहा है, आप हमें इससे दूर रखिए। तो जो इसमें पीड़ित थे वो उस जमाने के हालात और टैबूज को देखते हुए और सोशल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए वो ही लोग इसमें पीछे हो गए। जैसा मैंने बताया 30 तो ऑन रिकॉर्ड लड़कियां आई और एंड में दो बची, एंड में जाकर दो बची। तो पहला कारण था तुष्टिकरण, उस परिवार का डर। फिर एक कारण था कि उस जमाने में देश में ऐसी एक सांप्रदायिकता का माहौल था, रथ यात्रा चल रही थी, तो भैरव सिंह शेखावत जी को भी डर था कि राजस्थान में अगर इस फैमिली पर हाथ डाला, क्योंकि शोषण करने वाले ज्यादातर एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के थे, जिनका लड़कियों का शोषण हो रहा था वो ज्यादातर एक समुदाय हिंदू समुदाय की थी, तो ये खामखां एक कमनल रंग ना ले ले। तो ये दो तीन फैक्टर्स, भैरव सिंह शेखावत की अपीजमेंट, पेरेंट्स का हाथ जोड़ना कि इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा ना बढ़ाइए, ना कटेगी, बच्चियां सुसाइड कर चुकी थीं, शायद उसके बाद एक और लड़की ने सुसाइड करी थी, वगैरह वगैरह, ये फैक्टर्स हुए कि 6 तो ये भाग गए, यानी नफीस, नसीम, सलीम, इकबाल भाटी, सोहेल और सैयद समीर, ये उस टाइम एब्सकॉन्डिंग थे। बाकी 12 को 18 में सजा हुई, उनकी सजा कुछ की अंडरगॉन, कुछ को 10 साल, कुछ को 12 साल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंडरगॉन कहके इन लोगों को बरी कर दिया। एक आदमी कैंसर से मरा, एक आदमी शायद एक्सीडेंट से मरा, एक को शायद जो कौन सी वो प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन हुई थी उस टाइम में। और ये 6 का, ये क्योंकि भागे हुए थे, इनका मुकदमा बाद में चला, बाद में पॉक्सो में चला, और आज से 4-5 दिन पहले इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है पॉक्सो कोर्ट ने। देखते हैं कि इसमें हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेकर आता है। तो ये था वो किस्सा, थोड़े बहुत फैक्ट्स इधर उधर हो सकते हैं। मुझे 32 साल बाद बिल्कुल कंचे की तरह साफ, बिल्कुल साफ मेरे दिमाग में है कि क्या क्या फैक्टर्स थे कि ये मुकदमा, ये मामला सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टेड और अंडर रेटेड रहा और सबसे गंदा ये अपराध हुआ था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा अजमेर 92 और 6 बंदों को सजाए मौत, उम्र कैद की सजा मिली और बहुत सालों बाद ये उसकी का दोबारा चर्चा हुआ। अब देखें, केस हुआ है जो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ हुआ है, इस जो केस है पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हम इंसान हैं या जानवर नुमा लोग हैं, हमारे जहनों में क्या चल रहा होता है, हम अमलन क्या कर रहे होते हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है, किसी चीज़ पर हर एक का। अब देखें, ये अजमेर केस जो है, अब एक ऐसी जगह पे, ऐसी जो घराना जिसको हम बहुत ही पवित्र, पाक और ये समझते हैं, और वो हैं भी, लेकिन आगे घराने के उनकी औलादें क्या करती फिर रही हैं, क्या उनकी बदनामी का बायस बन रही है, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल और उनको फिर उम्र कैद की सजाएं बोली गई, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन अगर वैसे ही कोई उस पर घराने पर बात कर दे
तौबा नऊज़ बिल्ला, तुम तो निकल गए हो इस्लाम से, तुम तो इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हो, तुम इस्लाम पे बात कर रहे हो, इस्लाम वहाँ पे मुश्किल में आ जाता है, इस्लाम कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई गुनाहगार है तो वो गुनाहगार है, ये अलग चीज़ है वो किस जाति से है, किस धर्म से है, किस मज़हब से है, क्या लैंग्वेज बोलने वाला है, कहाँ के खित्ते का रहने वाला है, ये सारी बातें उसके बाद की है। अपराध अगर किसी ने किया है तो वो अपराधी ही है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो अजमेर का है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का है, चाहे वो इस्लामाबाद का है, चाहे वो पेशावर का है, या दुनिया में कहीं का भी है, अगर किसी ने अपराध किया है तो वो अपराधी ही है। और इतना बड़ा घिनौना अपराध, जहाँ एक यानी कि उसको लेकर चलते हैं, ऐसा एक रोज़ाना की बुनियाद पर लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तस्वीर खींची जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर जो उस पर आवाज़ उठाना जाए उसको मारी दिया जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सिंध के इलाके का एक पीर, जो ऐसा कोई मारूफ भी नहीं था जैसे ये मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह है, और उस तरह से उनकी कोई मारूफ इतनी दरगाह नहीं थी, लेकिन है वो भी दरगाह ही, वहाँ भी पीरी फकीरी चलती है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, कम ही जाते हैं, लेकिन उसने भी एक कम उम्र लड़की के साथ रेप करता है, उसके साथ जो उसकी बाद में जो उसकी रिपोर्ट आती है, उसका हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं, उसके साथ वही सलूक हुआ होता है जो यहाँ पे इस डॉक्टर के साथ हुआ पड़ा है, और फिर जब वो मीडिया की जीनत बनता है तो फिर उस बंदे को पकड़ा जाता है। हालांकि उसको शेल्टर फ्राहम करते हैं हमारे लोग उसको, यानी ये तो पीर साहब हैं जी, ये कैसे कर सकते हैं, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो इल्ज़ाम है इन पर, ये तो ख़ास करके एक वर्ग के लोग इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बचाया जाता है। लेकिन जैसे वो बात मीडिया पर बढ़ती है, छुप नहीं पाती, फिर मजबूरन लोग उसको पकड़ते हैं और जेल में डालते हैं। और आज सुनने में आ रहा है कि वो बहुत बड़ी रकम उनके ख़ानदानों वालों को देकर उनका मुंह बंद कर अपने लिए एक बयान दिलवा लेगा और फिर बाहर आएगा, और फिर ऐसी दिलवा लिया होगा वो, अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ उसकी से, तो फिर वही मासूम बच्चियों का रेपिस्ट बाहर आ जाएगा और वो वही काम करेगा। वो अब भी आकर वो एक इंसान नहीं बनेगा, वही वाले काम अब वो ये करेगा कि भाई मुझसे गलती कौन सी हुई है, अब मैंने वो नहीं करनी जिससे कि लोगों को पता चले हाईलाइटेड हो ये मामला। अब हम देखते हैं कि हमारे लोगों में भी जहालत इंतहा दर्जे की पड़ी हुई है, लोग अंधे हो जाते हैं इस पीरी फकीरी के चक्कर में और अपने घर की इज्जतों को खुद ही पमाल करवाने पर तुले पड़े होते हैं। उनमें भी ज़्यादातर लोगों की अपनी मेंटेलिटी का ही कसूर है कि वो इस हद तक इन पे एतमाद एतकाद करते हैं कि वो उनकी इज्जतों को भी तार तार कर रहे होते हैं, लेकिन उनको टस से मस नहीं हो रहे होते। बहुत सारे फैक्टर हैं, इन सब को सोचना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक वर्ग है, चाहे वो इस्लामिस्ट है, चाहे वो किसी भी तरह हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, सिख धर्म से, अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी ही उसको कहना चाहिए, उसको उसके साथ जोड़कर नहीं ये बात करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर चिश्तिया घराने के लोगों ने ऐसा किया है तो किया है भाई, चिश्तिया घरानों ने, वो भी कर सकते हैं, वो भी इतनी घनौनी हरकतें करते हैं, और उनको अगर उस पर बात आ जाती है तो इस्लाम खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ इतना सोचने समझने की बात है। अब देखिए, कोलकाता में हुआ, पूरा का पूरा हिंदुस्तान बाहर आया पड़ा है, दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ गया। मैं कल यहाँ हमारे परफेक्ट रिएक्शन वाले भाई की एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान में फैसलाबाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं उस केस को लेकर, डॉक्टर के लेकर, तो जैसे उसके लिए निकले हुए, यहाँ पे भी हज़ारों इस तरह के केस होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जब तक हम खामोश रहेंगे ये जुर्म उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, हमारी औरतें उतनी ही गैर महफूज रहेंगी, उनको दरिंदे उसी तरह से ही नोचते रहेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अपनी ख़वातीन को घर में बंद रखने के अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही वाहे ज़रिया हमने समझा हुआ है अपनी औरतों को महफूज रखने का, इसके अलावा कोई नहीं है। तो सीधी सी बात यही है कि जहाँ पे भी जुर्म होता है वहाँ पे निकलिए, इस तरह जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग निकले हैं, उन लोगों को वो सज़ा मिले कि कल को कोई वो जुर्म करने का सोचे भी ना। जिस तरह से इन लोगों को सज़ा मिली है, इसी तरह से हर एक जो जुर्म करने वाला है अगर अपने अंजाम तक पहुँचेगा तो फिर ही ये जो जुराइम है कम हो सकेंगे, इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है।
बिल्कुल ऐसी है, देखेंगे एक चीज़ है कि अब 32 साल के बाद जो है इनको उम्र कैद हुई है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है तो तभी उनको जो है पकड़े और इबरत का निशान बनाए। ऐसे नहीं उम्र कैद की सजा दे दें, ये सारी उम्र जो है वो जेल में सड़ेंगे। उनको सजा ऐसी दें कि दूसरे जो हैं वो काम पे ऐसा को काम करने से वो एक 100 दफ़ा सोचें कि भाई हमने अगर ऐसा काम करना है तो हमारे आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा कि ये हमें सज़ा मिलनी है। ये सज़ा बहुत जो है वो कठिन है, ये सज़ा हम भुगत नहीं सकते, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे जो ऐसी घटनाएं करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो सज़ा करारदार सज़ा मिलनी चाहिए वो हम 32 साल के बाद दे रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी जानवर नुमा इंसान ऐसे घटना करता है, ऐसे मासूम बच्चियों को बरगला के जो उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ उनकी इज्जतों के साथ खेलता है, उनको जो है दुनिया में माशरे में रहने का उनको हक नहीं है, क्योंकि माशरा इंसानों के साथ चलता है, जानवरों के साथ जो है माशरा नहीं चलता और जानवर माशरे में होने भी नहीं चाहिए। और ये जो अदारे हैं, दफाई अदारे या तहफ़ करने वाले अदारे हैं, उनको चाहिए कि जो ऐसे अनासर हैं उनको जो है वो जब पता चले उनको करारदाद सजा दी जाए, इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि हमारी और कोई मासूम बच्ची माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसा काम ना हो और ये ऐसे खुलेआम ना फिरें। तो ये देखें ना, ये अब वो सिंध वाला जो वाकया बता रहे हैं पीर साहब वाला, तो वो अगर मीडिया की जीनत ना बनता तो वो तो वैसे ही उन्होंने जो है पैसे दे के जो है उनका मुंह बंद करवा देना था। तो भाई यहाँ पे भी कितने कितने केस, सिंध वाला केस को छोड़ दे, मुख्तारा माई वाला केस कितना जो है ना हाईलाइट हुआ, तो उसके ऊपर पे क्या हुआ, क्या उसके लोगों को सजा हुई नहीं हुई। तो यही हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इंडिया का भी वही है और पाकिस्तान का भी आज भी वही है। और उसने अंग्रेज ने ये जुडिशरी सिस्टम ऐसा बनाया ही है, इस तरीके से था कि यहाँ पे केस जो है ना वो लटकते रहे। वहाँ पे उनके पास भी आता था, वो कहीं यही कहते थे कि भाई आप हमारे पास आइए, हम आपको इंसाफ देंगे। तो वो बंदा जो है ना इंसाफ लेने के लिए उस वक्त कितने मीलों तक आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था, घोड़ों पर आना पड़ता था, तब भी वो लोग इस तरह उकता जाते थे कि भाई नस्लें मर जाती हैं तो इंसाफ होता है। अब देखिए हमारे जुडिशरी सिस्टम देखिए कि अब जो है ना वो ज़ियाउल हक़ साहब को मरे हुए भी कितने साल हो गए, तो अब उनको जाके सजा सुनाई गई है, और जब मुशर्रफ साहब मर गए हैं उनको भी सजा सुना दी गई है। तो चीज़ें यही हैं कि जब इंसान मर जाता है, और बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि बंदा जो है ना वो जेल में मर जाता है, उसके बाद उसकी रिहाई होती है कि भाई आप इसको रिहा कर दिया जाए। तो ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो उसको ठीक करने की बहुत अशद ज़रूरत है, ताकि लोगों को बर वक्त जो है ना इंसाफ मिल सके। तो जब मुजरम को पता होगा कि भाई मुझे यहाँ पे मैंने जुर्म किया है तो यहाँ पे मुझे सजा मिल जाएगी, तो फिर वहाँ पे डर पैदा होगा। लेकिन जब उसके पास पैसा है, असरो रसूख है, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं वकील करूँगा, वकील मेरे लिए हर दफ़ा जो है ना वो तारीख लेगा, वो तारीख पे तारीख। सनी देओल का भी वो एक डायलॉग है, तो वो चलती रहती है। और आज देख लीजिए 32 साल बाद या कुछ सालों पहले उन लोगों को जो है ना वो सजा हुई हैं, तो यही वजह है कि उनके पास असरो रसूख था। और आज भी देखिए यहाँ पे भी जो ये केस हुआ डॉक्टर वाला, तो उसके ऊपर भी जो है ना बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है जो इसमें शामिल थे, तो अब उनको पकड़ लिया गया है, सजा नहीं हुई। वो तो कहते हैं कि भाई जेल में जाकर भी हमारे लिए मौजें ही हैं, वहाँ पे भी हमारे लिए हर चीज़ जो है ना प्रोटोकॉल ही मिलना है, तो उसमें उन पर क्या जाता है, कुछ भी नहीं। इबरत का निशान तभी वो बनेंगे कि भाई इनको फौरन फांसी पे सरे आम लटकाया जाए, ताकि पता चले कि हमारी माँ बहन बहू बेटियों को कि भाई हम सुरक्षित हैं, हमारे साथ कोई गलत नज़र से देखेगा भी तो उसका ये अंजाम होगा। और दूसरों को भी इबरत का निशान होगा, भाई जितनी मर्जी हमारे पास ताकत हो दौलत हो, हमारे जो है ना सजा से हम नहीं बच सकते, और जो पहले बारी हमारी जो प्रोटोकॉल और मौजे थी वो भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आज भी देख लीजिए, चाहे वो इंडियन साइड जेलें हों, चाहे वो पाकिस्तानी जेलें हों, जिनका असर रसूख है वो मज़े से अपने घर से ज़्यादा सहूलतें उनको जेलों में मिल रही हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जब तक हम मुजरमों को, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, उनको प्रोटोकॉल देते रहेंगे तो यही होगा। तो हमारे यहाँ भी हमारी जो लेडीज़ डॉक्टर हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं, लेकिन उनके एहतजाज का मकसद ही नहीं है कि वहाँ पे इंडिया में ये हुआ है इसलिए वो एहतजाज कर रही हैं, वो अपनी दास्तां सुनाने की कोशिश कर रही हैं इंतज़ामिया को कि भाई हमारी तरफ भी तवज्जो दीजिए, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे दरिंदे हैं जो हमें नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और बहुत सी जो है ना बहनें जो हैं उनको वो नोच रहे हैं, जिनको जो है ना वो आवाज़ भी नहीं निकाल पाती। तो चीज़ें यही हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जितने भी सरकारी इदारे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जो लेडीज़ वर्कर काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, उनको जो है ना
तहफ़ फराम करना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट्स होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट्स जो है ना, ये माफियाज बन चुके हैं और यहाँ पर जो असर और रसूख वाले हैं वो लोगों की माओ बहनों के साथ जो है ना वो इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माएँ बहनें हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल करने के लिए गवर्नमेंट्स होती हैं, कानून होते हैं, इदारे होते हैं। लेकिन अगर इदारे ही अवाम को तहफ़ फराम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो इदारों को आप अपने आँखों में बंधी हुई पट्टी जो है वो उसको खोलना चाहिए और लोगों की तहफ़ के लिए बाहर निकलना चाहिए। और देखिए, इंडिया में तो उनको पकड़ लिया गया है, और पकड़ लेना ही सिर्फ जो है ना वो बहादुरी नहीं है कि भाई इतने लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, उनको फौरन सज़ा मिलनी चाहिए और एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि भाई जो रेप करेगा उसे भी फौरन सज़ा मिलेगी, जो किसी का कत्ल करेगा उसे भी फौरन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कत्ल करने के जो केसेस हैं वो कई सालों तक, सदियों तक चलते रहते हैं, बाद में ले दे के वो भी जो है ना वो उनको भी रिहा कर दिया जाता है, तो फिर कैसे जो है ना वो मुआशरा आगे फले फूलेगा? तो इन चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि देखिए ये कानून बनाने वाले, हमारी तो नाकस राय ही है, कानून बनाने वालों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे आम लोगों को तहफ़ मिले और मुजरमों को फौरन सज़ा मिले। बिल्कुल जी, जब हम कोई ऐसा केस आता है तो हम और हमारा ज़मीर जाग जाता है, फिर कुछ ही दिनों बाद फिर से वो सो जाता है और फिर इंतज़ार में होता है कि कब ऐसे से कोई दोबारा केस आएगा, और फिर उस पर चार दिन के लिए बात होगी, एहतजाज होगा, ऐसी चीज़ें होगी, फिर सब कुछ वही से शांत हो जाएगा। एक चीज़ है कि इंडियन मुआशरे में मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने हक़ के लिए बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, यहाँ पे उस चीज़ में के लिए भी बहुत बड़ी कमी है। हमारे अदारों में, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये सब कुछ बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन यहाँ उनको पता है कि ना हमारी सुनवाई होनी है, आगे हमने जाना है, वहाँ पे हमारी इज्जतों को लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक पे इक्तफा कर लेते हैं, इसलिए वो ब्लैकमेल होते चले जाते हैं और ना ही यहाँ पे कोई केस रजिस्टर्ड होता है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिल गएंगे और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।